ये मूर्खों का समाज, ये मूर्खों का कार्य है, ये किसी भक्त का, साधु का, किसी सज्जन व्यक्ति का कार्य नहीं है। किसी भी प्रकार का व्यसन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में ही, भागवत के प्रथम पहलू में ही भगवान ने कह दिया और परीक्षित महाराज ने कह दिया कि जहां पर व्यसन हो रहा हो, जहां पर नशा हो रहा हो, वहां पर कलयुग का वास है। कई बार लोग भागवत कथा करते हैं और भागवत कथा में कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को सुनने दीजिए, रिवॉल्व सुनने दीजिए, महाराज परीक्षित को, महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया, गहने में। तो उस समय क्या हुआ, कुछ वक्ता लोग कहते हैं कि उस समय ये कलयुग जो था, परीक्षित महाराज के मस्तक पर जो सोने का मुकुट था उसमें बैठ गया और परीक्षित महाराज ने अपमान किया है। बिल्कुल गलत बात है, ये कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक पर नहीं, कलयुग ब्राह्मणों के मस्तक पर बैठा है। ये कलयुग का प्रारंभ महाराज परीक्षित से नहीं, ब्राह्मणों से हुआ है, क्योंकि जिस ब्राह्मणों के हाथ में समाज को सुधारने का कर्तव्य है, यदि वही ब्राह्मण बिगड़ेंगे तो समाज अधोगति की ओर चला जाएगा, ये समाज का पतन हो जाएगा। यदि समाज का उत्थान कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। यदि हम समाज को उन्नति की ओर लेकर जाना चाहते हैं, यदि हम हमारे आने वाले भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको सुधरना होगा। और जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक हम लोग हमारे आहार को सत्वगुणी नहीं करेंगे, हमारे जीवन को पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम हमारे भविष्य को पवित्र नहीं बना सकते हैं। भागवत और गीता के इस ज्ञान को समझो भक्तों, कि किसी दूसरे मनुष्य की सेवा किस प्रकार से की जाती है, हमारा जीवन पवित्र कैसे बनाया जाता है। तो महत सेवा द्वार माहु विमुक्त है। इस संसार में महात्माओं की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है, इस संसार के थर्ड क्लास के लोगों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार नहीं खुलता है। और कभी कभी तो शर्म आती है, बड़े बुजुर्ग हो गए, हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी नशे में चूर हैं, अब क्या उनकी सेवा की जाए। भागवत में लिखा है महात्माओं की सेवा करने से, ऐसे लोगों की सेवा करने से नरक का द्वार खुल जाता है। बहुत अच्छा है कि ऐसे बुजुर्गों की सेवा आज तक हमारी महिलाएं, माताएं करती हैं। स्त्रियों का समाज बहुत अच्छा है कि ऐसे पुरुषों को आज तक सहन कर रही है, झेल रही है। भागवत में तो सीधा लिखा है तमो द्वारम योषिता संगी संगम, कि ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए जो रात दिन नशे में और पाप में चूर रहता हो। यदि ऐसे लोगों की सेवा करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। भगवान की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, तो हमें महात्मा की सेवा करनी होगी। महात्मा किसे कहते हैं? भगवान ऋषभदेव को पूछा गया महात्मा किसे कहते हैं, तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं महात्मा वो है जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका आहार पवित्र होता है, जिसका भोजन पवित्र होता है। भक्तों, इस संसार में व्यक्ति ही जैसा खाता है वैसा बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। वेदों में लिखा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि द्रिवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि भोजन शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। आज तो भोजन बिगड़ा है इसलिए सबकी बुद्धि भी बिगड़ी है। भोजन शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध, बुद्धि शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा। यदि मन शुद्ध होगा तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे, और यदि कार्य शुद्ध हुआ तो हमारी गति जो है वैकुंठ तक चली जाएगी, हमारा आने वाला जीवन शुद्ध हो जाएगा। परंतु आज लोगों का जीवन अपवित्र है, क्यों? क्योंकि आहार अशुद्ध हो चुका है। क्या खाना क्या नहीं खाना किसी को कोई बुद्धि नहीं है। भागवत से समझिए भक्तों, आज ये भागवत आप पर कृपा करने के लिए यहां पर आया है। और व्यास मंच पर बैठकर कभी झूठ नहीं बोलूंगा भक्तों, हमारा उद्देश्य आपको बस अच्छा लगाना है,
आपको प्रसन्न करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कोई चारण भाट नहीं है कि यहाँ पर आए हैं आपको खुश करने के लिए, न तो हमने कोई पैसा लिया यहाँ पर आने का। व्यास पीठ पर बैठे हैं, सत्य भाषण करेंगे और जो सत्य होगा वही बोलेंगे। हमें किसी का कोई भय नहीं है। फिर चाहे यहां पर आप अपने गांव में बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन सत्य आखिर सत्य है। और यह भी समझो, सत्य सदैव कड़वा होता है, परंतु यह कड़वा घूंट यदि हमने उतार दिया है, दवाई कड़वी होती है लेकिन एक बार हमने पी ली तो रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये कड़वा उपदेश भी यदि जीवन में उतर गया ना भक्तों, तो आने वाला जीवन सुधर जाएगा। ये हमारा दुरासनी गांव जो है एक गोलोक वैकुंठ बन जाएगा यदि भागवत के इस उपदेश को हमारे जीवन में धारण कर लिया। और यदि ये इतना कुछ होने के बाद भी ये उपदेश जीवन में नहीं उतरा तो आने वाला भविष्य बहुत बुरा होगा। आने वाली जनता, आने वाले बच्चे इतने बुरे होंगे कि आजकल के माता पिता और पितरों को नरक में लेकर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा बेटा राम जैसा बने, पहले तू दशरथ बन, तू रावण जैसा है। आज सब लोग अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं लेकिन खुद रावण की तरह अफीम पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं। यदि हम हमारे संतान को साधु बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको सुधरना होगा। हम चाहते हैं हमारे संतान राम हो, तो सबसे पहले हमें दशरथ बनना होगा। यहां पर भगवान ऋषभदेव आगे कहेंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं और एक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को उपदेश दे। और आज के पिता खुद सिगरेट पीते हैं, बच्चे पीने वाले हैं। आप ऐसा मत समझो कि हम खैनी खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, अफीम खाएंगे और हमारे बच्चे साधु बनेंगे, कभी नहीं। आप जो करते हो आपके बच्चे वो करेंगे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। और छुप छुप कर खाते हैं, पीते हैं, आपको कहां पता है। अतः एक पिता का कर्तव्य है। भगवान ऋषभदेव, यहां जो भी बात हो रही है भागवत की बात हो रही है। भगवान